हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू बेस्ट ट्यूटोरियल माय नेम इज कौशिक एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शामिला बाय हैंनरी फील्डिंग हैंनरी फील्डिंग का वर्क है शामिला और हम बात करेंगे शामिला की बैकग्राउंड के बारे में एंड वी विल बी लुकिंग एट द कैरेक्टर्स और जो भी आपके रिलेटेड आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं उनको हम कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हैंनरी फील्डिंग द राइटर अबाउट द राइटर हैंनरी फील्डिंग ही वॉज़ बॉर्न इन सेवनटीन जीरो सेवन एंड ही डाइट इन सेवनटीन फिफ्टी फोर तो सेवनटीन सेवनटी सेवनटीन जीरो सेवन में उनका जन्म हुआ था और सेवनटीन फिफ्टी फ़ोर में डेथ हुई थी वॉज एन इंग्लिश नावलिस्ट और हैंनरी फील्डिंग जो हैं अगर हम बात करें कि बेसिकली उन्हें किन चीज़ों के लिए जाना जाता है तो उनकी नावल्स के लिए जाना जाता है ही इज़ ऑल्सो ड्रोमेटिस्ट नोन फॉर हिज ऑली यूमा एंड सटाया और दूसरी चीज़ ये है कि वो उन्होंने यूमा और सटाया दो कैटेगरीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ किया है हिज़ कॉमिक नावल टॉम जॉन्स इज़ स्टिल वाइडली अप्रिशिएटेड उनका एक वर्क है टॉम जॉन्स वो अभी भी उसका काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है ही एंड Samuel रिचर्डसन आर सीन एज फाउंडर ऑफ़ traditional इंग्लिश novel. और अगर हम बात करें कि जो traditional इंग्लिश novel है उसको इस्टैब्लिश करने में किसका हाथ है या किसने शुरुआत में लिखी हैं तो Henry फिल्डिंग और Samuel रिचर्डसन को जो है फाउंडर माना जाता है

shamila is a novella and uh, it was written in 1741 the history of adventures of joseph andrews and his friends mr abrahams abraham abrahams abraham. so it was in 1742 the life and death of jonathan wild the great 1743 iron treatment of jonathan Wilde, uh, wild a notorious underworld figure of the time published as volume uh, 3 मिसलेनिस यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं ये आप लोग भी जानते हैं कि जैसे आ, पूछा जाता है कि कौन सा वर्क है जिसमें कि नोचरस अंडर वर्ल्ड फिगर के बारे में बताया गया है सो इट वॉज द लाइफ एंड डेथ ऑफ़ जॉनसन एंड वाइल्ड द ग्रेट और कब ये पब्लिश हुई थी सेवनटीन थ्री एंड द फीमेल हसबेंड और द सरप्राइजिंग हिस्ट्री ऑफ मिसिस मैरी एलियस मिसिस जॉर्ज हैमिल्टन

अमिलिया अमिलिया पब्लिश हुआ था 1751 में अब हम एक वर्क जो कि शामिल जिसे हमने आज यू कैन से वी हैव चूजन फॉर डिस्कशन तो शामिला जो है उसके बारे में देखेंगे आ, शामिला का बैकग्राउंड देख लेते हैं एंड अपॉलजी फॉर लाइफ ऑफ मिसिस शामिला एंड्रीज़ और सिंपली शामिला तो उनका जो हम कहें सब था इस वर्क का शामिल का तो वो था एन अपोलॉजी फॉर द लाइफ ऑफ मिसिस शामिल एंड्रीज और एक चीज़ और मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक बता दूँ कि जब भी आप याद कर रहे हो आपके पास शॉर्ट टाइम हो वैसे अगर आपके पास इनफ टाइम है तो सारी चीज़ें याद कीजिए अगर आप आपके पास तैयारी का शॉर्ट टाइम है तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो बहुत लंबा जिसका सब टाइटल हो क्योंकि यूजुअली ऐसा इतना लंबा सब टाइटल नहीं पूछा जाता है एज़ इट इज मोर commonly नोन एज सटारिकल burlesque novella by इंग्लिश राइटर हैंनरी फेल्डिंग यहाँ पे आप लोगों को एक टर्म दिखाई दिया है जैसे सटायर होता है तो सटायर भी हम हम बात करेंगे कि एक ह्यूमरस वे में एक मज़ाकिया वे में हम क्या करते हैं किसी चीज़ को शो करते हैं चाहे वो हो चाहे ड्रामा हो एंड बर्लिस्क बर्लिस्क भी कहीं पर पूछा जा सकता है कि बर्लिस्क किससे रिलेटेड है तो ये भी सटायर से रिलेटेड ही होता है अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस पीस ऑफ राइटिंग एटसेक्ट्रा विच शोज समथिंग इन अमरस वे ठीक है कोई भी लेख हो सकता है आ, वो हास्यास्पद प्रस्तुतियाँ हम कहें परिहास उसे बोला जाता है हिंदी में नोविला बाय इंग्लिश राइटर हैनरी फिल्डिंग हैनरी फिल्डिंग ने इसे लिखा है इट वॉज़ फर्स्ट पब्लिश्ड इन अप्रैल 1741 अंडर नेम ऑफ मिस्टर कॉनी कॉनिकेबा तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट uh, आप लोगों के लिए फिर से एक फैक्ट है कि 1741 में उन्होंने इसे पब्लिश किया था फर्स्ट पब्लिश किया था लेकिन uh, पूछा जाएगा कि किस नाम अंडर विच नेम इट इट गॉट पब्लिश सो इट वॉज मिस्टर कॉनिकेबा फेल्ड फील्डिंग नेवर एडमिटेड टू राइटिंग दिस वर्क बट इट इज़ वाइडली कंस्डर्ड टू हिज अब इसमें एक uh, आपका एक ट्विस्ट ये भी है कि हैंनरी फील्डिंग ने कभी ये एडमिट ही नहीं किया कि वर्क उन्होंने लिखा है बट ये उन्हीं का वर्क माना जाता है इट इज़ डायरेक्ट अटैक ऑन दी ऑन द इन पॉपुलर नावल पामिला अब यहाँ पे क्या था कि जो पामेला थी पामिला को एक ऐसी ये रिचर्डसन का वर्क है राइट तो बेसिक में जाएँ तो सेमल रिचर्डसन का ये वर्क है और सेवनटीन फोर्टी में ये पब्लिश हुआ था तो आप लोगों को देखिए शॉर्ट स्टोरी के जरिए आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि एक साल पहले सैमुअल रिचर्डसन ने 1740 में एक वर्क क्या किया पब्लिश किया और 1741 में दूसरा वर्क आया शामिला ठीक है पामिला का शामिला अब जो राइटर है हैंनरी फिल्डिंग वो कहता है कि पामिला की सिस्टर है शामिला अब वो इसका मजाक बनाना चाहता है पामिला का क्यों मजाक बनाना चाहता है क्योंकि पामिला को एक ऐसी लड़की के तौर पे शो किया गया है रिचर्डसन के द्वारा कि वो बहुत ही Uh, हम कहें कि उसके अंदर गुण ही गुण हैं वर्चुअस यू कैन से तो बहुत सारे वर्च्यू पामिला के अंदर दिखाए हैं रिचर्डसन ने और इस चीज से इतना वर्चुअस कोई कैसे हो सकता है इस चीज़ से हेनरी uh, फील्डिंग क्या है एक तरह से एग्री नहीं करते तो उन्होंने इसका मजाक बनाने के लिए पामिला की जगह एक और वर्क लिखा और वो था शामिलाइट तो ये बेसिक स्टोरी है 1740 में आपको याद हो जाएगा कि पामेला था उसका मजाक बनाने के लिए ह्यूमरस के सटायरिकल वे यूज़ किया और हैंनरी फील्डिंग ने बनाया कि आपका शामिला और सेकंड एक टर्म यहाँ पर मैं काफ़ी बार रिपीट करता हूँ चीज़ों को जैसे एपिस्टोलरी फॉर्म है तो अब तो जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे काफ़ी टाइम से तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि एपिस्टलरी फॉर्म क्या होता है तो एपिस्टल पिस्टल का मतलब होता है लेटर इंग्लिश में ठीक है इंग्लिश में नहीं मीन्स सॉरी इट बिकम समथिंग एल्स लेटर तो लेटर एपिस्टल का मतलब होता है लेटर और जब हम बोलते हैं एपिस्टलरी फॉर्म में कोई वर्क लिखा जाता है जैसे नॉवल आपकी क्या लिखी गई है एपिस्टलरी फॉर्म में लिखी गई है तो उसका मतलब यह है कि वो लेटर के द्वारा उस नावल में कम्युनिकेशन हुआ है राइट right? तो एपिस्टोलरी फॉर्म में ही इसको भी लिखा गया है अब ये जो मैंने बात कही रिपीटिशन वाली तो रिपीटिशन इसलिए किया जाता है कि बहुत जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए माइंड में जब आप किसी नए टॉपिक को पढ़ेंगे चाहे मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं चाहे किसी और के चैनल में या किसी बुक में पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर रहे माइंड में कि ओके एपिस्टोलरी फॉर्म क्या है बर्लिस क्या है सटाया क्या है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाए शामिल अवर्ज ओरिजिनली पब्लिश्ड अनॉनिमसली ऑन फोर अप्रैल सेवनटीन फोर्टी वन एंड सोल्ड फॉर वन शीलिंग एंड पेंस तो ये अनॉनोमसली पब्लिश की गई थी सेवनटीन फोर्टी वन में दिस इज़ द थिंग नेक्स्ट इज़ कैरेक्टर्स किसी भी वर्क में हमें कैरेक्टर गर याद होने चाहिए और कैरेक्टर्स याद करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब हमें कैरेक्टर्स याद होते हैं अच्छे से किसी वर्क के तो हमें वो स्टोरी भी अच्छे से याद हो जाती है इसलिए कैरेक्टर्स पे फोकस करना जरूरी है शामिला एंड्रयूज शामिल इज़ द मेजर कैरेक्टर इन द बुक एंड शी इज़ प्रेजेंटेड एज द लेशवियस यंग गर्ल एम्बिशियस कनिंग हु प्लॉट्स डे ट्रैप टू ट्रैप स्क्वाया बॉबी इन टू मैरिजा तो यहाँ पर क्या है स्क्वाय बॉबी को ट्रैप करती है uh, कौन शामिला शामिला क्या है जो पामेला का ठीक उल्टा आप कह सकते हैं या अपोजिट कैरेक्टर एक तरह से मान सकते हैं कि पामेला क्या है दूसरे रिचर्डसन के वर्क में बहुत ही वर्चुअस है लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही एम्बिशियस है और कनिंग है बहुत चालाक है एनरिटा मारिया और ऑनर सॉरी ऑनोरा एंड्रिय शी इज शामिलाज़ मदर और ये क्या है आपकी सिंपली आप आ, मारिया एनज्री ले सकते हैं शॉर्ट uh, फॉर्म में और शी इज़ शामिला मदर वो शामिला की मदर है होम शामिला कॉरस्पोंड्स थ्रू दी लेटर्स अब इसमें कॉरस्पोंड्स थ्रू दी लेटर यहाँ पे शामिला की किससे बात होती है उसकी मदर से बात होती है राइट मारिया एंड से मिस लूक्रिस्टिया जोविस शी इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड बाय स्क्वाय बॉबी एंड शी एंड पामिला बिकम्स क्लोज फ्रेंड और uh, दोनों के दोनों जो पामिला है और जोविस है ये दोनों के दोनों किस किसने एज अ सर्वेंट रखे हुए हैं स्क्वाय बॉबी ने रेवरेंड विलियम रेवरेंड विलियम अपियर्स बोथ इन पामिला एंड शामिला बट हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी यहाँ पे रेवरेंड विलियम पामिला में भी आप लोगों को uh, जब हमने पामिला की शॉर्ट स्टोरी देखी थी नॉट इवन शॉर्ट वी हैव गॉन थ्रू कम्प्लीट स्टोरी ऑफ पामिला सो so, उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि जो रेवरेंड विलियम है वो वहाँ पर भी हैं और शामिल में भी हैं लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंट डिफरेंस है तो ये आप लोगों को अब तो बात समझ में आ चुकी होगी कि जो रिचर्डसन के जितने अच्छे कैरेक्टर हैं जितने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स बनाने की कोशिश की है रिचर्डसन ने हैं फील्डिंग ने ठीक अपोजिट उसके कैरेक्टर्स बनाए हैं स्क्वाय बॉबी स्क्वाय बॉबी इज़ अ वेल्दी यंग मैन हु ट्राइज टू सड्यूस शामिला तो स्क्वाय बॉबी क्या करता है वो एक वेल्थ वेल्दी यंग मैन है और वो सड्यूस करने की कोशिश करता है आ, शामिला को तो सेम थिंग हैपन्स इन पामिला एज वेल कि जो स्क्वायर बॉबी है न, उसमें भी जो कैरेक्टर हैं वो पामिला को सड्यूस करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे क्या है शामिला ही इज़ क्वाइट नाइव एंड डजेंट रियलाइज दैट वाइल ही बिलीव दैट ही इज़ वन इन द इन कंट्रोल ही इज़ मैनिपुलेटेड बोथ बाय शामिला एंड बाय मिसेस जॉबिस तो यहाँ पे उसको पता नहीं चलता कि जो इसको है बॉबी है कि उसको क्या किया जा रहा है मैनिपुलेट किया जा रहा है उसको ट्रिक्ट किया जा रहा है शामिला और मिसिस जविस के द्वारा नाउ लेट्स गो थ्रू दिस समरी ऑफ वर्क फील्डिंग बिगिंस विद एन एक्सप्लेनेशन दैट डियर कैरेक्टर ऑफ पामिला इज़ नॉट हु अब सबसे पहले क्या है कि जो हैंनरी फील्डिंग है वो ये एक्सप्लेन करता है इस वर्क में कि जो पामिला है वो उस तरह की कैरेक्टर नहीं है जैसा कि लोगों को लगता है या जैसा दिखाया गया है वर्क में इनफैक्ट पामिला इज़ नॉट हर रियल नेम और वो कहता है कि पामिला उसका एक्चुअल नेम नहीं है क्योंकि वो क्या कर रहा है एक ह्यूमरस वे में बताने की कोशिश कर रहा है पामिला की स्टोरी हर ट्रू नेम एज शामिला और उसका जो नेम है ट्रू नेम है वो क्या है शामिला है एंड शामिला एंड्रयूज द डॉटर ऑफ द अनवेड वुमेन बाय द नेम ऑफ एन मारिया ओनरा एंड्रीज़ और ये जो है मारिया एंड्रीज उसकी बेटी है शामिला मच लाइक पामेला इज एम्प्लॉयड बाय वेल दी मिस्टर बी शामिला जो है उसको भी क्या किया गया है मिस्टर बी पामिला में एक कैरेक्टर है यहाँ पे मिस्टर बॉबी उसको बना, बना दिए बना दिया है तो उसको भी क्या किया गया है एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड uh, है वो भी किसके यहाँ पे मिस्टर बी के यहाँ एंड हु इज़ जो हमने मिस्टर बोबे ऊपर देखा था हु इन दिस स्टोरी गोज बाय द नेम ऑफ मिस्टर बोबे और उसका नाम क्या है मिस्टर बोबी है आ, शामिला इन दी अपोजिट ऑफ द नाइव एंड फ्रिजाइल पामेला और शामिला जो है वो बिल्कुल अपोजिट है किसकी पामेला की मीन्स यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा कैरेक्टर्स में कि वो बहुत ही कनिंग है एंड शी नोज हाउ टू मैनिपुलेट पीपल शी नोज़ एग्जैक्टली वट शी वॉन्ट्स एंड हाउ टू गेट इट और शामिला को सब पता है कि किस तरीके से उसे आ, आ, किसी को मैन मैनिपुलेट करना है एक्चुअल में जो पामिला स्टोरी है उसमें क्या होता है कि जो मिस्टर बी होता है उसको पामिला फाइनली अकॉर्डिंग टू फील्डिंग फील्डिंग ने ये बात कही कि पामिला जो है उसने उसको ट्रिक किया पाम लेकिन जो रिचर्डसन है उसका मानना यह है कि पामिला बहुत ही क्या है सिम्पल गर्ल है शी कान्ट मैनिपुलेट एनी वन पॉमिला लेकिन शामिला क्या कर सकती है किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है एंड शी नोज एक्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स एंड हाउ टू गेट इट थ्रू एपिस्टोलियल फॉर्म एपिस्टोलिटी जैसा मैंने एपिस्टोली कहा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ओके लेटर से रिलेटेड है द रीडर इज टेकन ऑन जर्नी ऑफ शामिला सेक्सुअल स्किपिट्स सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्किप uh, शामिला करती है किससे सेक्सुअल जो स्केप वो करती है बार बार उसको एपिस्टोलरी फॉर्म में क्या किया गया है बताया गया है वी लर्न दैट प्रीवियसली शी हैड आ रोमांटिक एंड सेक्सुअल इनकाउंटर विद दी पेस्टोविलियम और जो पेस्टोविलियम है उसके साथ में उसके रोमांटिक एंड सेक्सुअल इनकाउ होते रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस शामिल नोज़ हाउ टू सड्यूस अ मैन एंड डज सो विद मिस और इसलिए शामिल जो है Uh, जैसा कि पामेला थी स्टोरी में रिचर्डसन की वो बहुत ही वर्चुअस है एंड शामिला जो है शी वॉज़ विद विलियम सो शी नोज़ हाउ टू सड्यूस अ मैन उसको बहुत अच्छे से पता है कि हाउ टू सीड्यूस अ मैन एंड डज सो विद मिस्टर बूबी और वो सारी चीज़ें मिस्टर बूबी पे यू कैन से शी अप्लाइज एंड दिस इज़ ऑल नेरेटिव एज नेरेटेड एज राइट्स बैक टू हर मदर एंड टेल हर टू हर गोइंग वट्स गोइंग ऑन देर तो यहाँ पे क्या है कि शामिला सारी चीज़ें सारे अपने लेटर्स में बातें लिखती है और अपनी मदर को लिखती है वहाँ पे पामिला अपने पेरेंट्स को लिखती है एंड बेसिकली टू हर फादर और वो पामिला अपने अच्छी चीज़ें बताती है कि मैं किस तरह से स्किप हो रही हूँ जो मिस्टर uh, बी है उसके सेक्सुअल अटैम्प्ट से वो किस तरह से बाहर आ रही हैं और यहाँ लेकिन यहाँ पर शामिला बताती है कि वो किस तरह से सीड्यूस कर रही है एंड हाओ शी इज़ गोइंग टू मैनिपुलेट हर मदर अश्योरस हर दैट इफ़ शी कैन सीड्यूस एंड वेड मिस्टर बूबी शी कैन लेटर बी विज हुमेवर शी वॉन्ट्स एज लॉन्ग एज शी शोज द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और इस चीज़ में जो कर रही होती है शामिला Uh, उसको हम कहें कि फीड कर रही है उनकी मदर शामिला कनकॉक्ट्स अ प्लान टू तो गेट मिस्टर बूबी टू तो मैरी हम यहाँ पे जो शामिला है वो एक अच्छा प्लान बना लेती है मिस्टर बूबी को फंसाने के लिए मैनिपुलेट करने के लिए एंड शी सड्यूस हिम इन सच अ वे बाय वेयरिंग फिगर हगिंग क्लॉथ्स एंड ओवरली सेक्सेज सो दैट शी इज़ परस टू टेक एडवाटेजेस ऑफ अ वाइल्ड शी स्लीप्स और वो अपनी क्लॉथिंग का वियरिंग का यूज़ करती हैं और सो शी कैन परसुएट मिस्टर बूबी और आ, वो मिस्टर बूबी को अलग अलग तरह से परसुएट करने की कोशिश करती है एज ई स्नीक्स इन टू हर रूम एंड पुट्स अ हैंड ऑन हर ब्रेस्ट शी लींस इनटू हिम इन हर स्लीप पुशिंग हिम टू गो फर्दर अनटिल शी वेक्स बैगिंग हिम टू नॉट डिस्ट्रॉय हर वो इज यू बिफोर दे आर मैरिड और वैन ही केम इन टू हर रूम जब उसके रूम में एंटर uh, करता है मिसर बूबी और देन ही टचेज हर तो और उसको टच करता है सो एंड शी स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स हिम और uh, जब वो उठती है शी वॉज नॉट स्लीपिंग वो सो नहीं रहती लेकिन जब वो उठती है तो उसे कहती है कि डोंट डिस्ट्रॉय हर क्योंकि वो उसे ट्रैक करना चाहती है और उसे कहती है कि बिफोर मैरिज वी शुड नॉट डू इट शामिला और शैम एज शी इज़ ऑफन रेफर टू और इसी में जो है शैम उसको शॉर्ट में शाम आ, शामिला को शैम वर्ड से इंडिकेट किया गया है शी इज़ ऑफन रेफर टू इज़ मैरीड टू मिस्ट बूबी एंड वंस दी मैरिज इज़ वेल ऑन इट्स वे शी बिगेन्स टू पाइन फॉर अदर मैन और जैसे ही उसकी मैरिज मिस्टर बूबी से होनी शुरू होती है और तो वो जा और किसी और लोगों से और जो मैन हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करती है हर मेन गोल इज़ टू सम हाउ अगेन बी विद पेस्टर विलियम और उसका जो गोल है वो क्या है पेस्टर विलियम के पास जाना है

और पेस्ट क्यों रहना चाहता है वो एक सेक्सुअल uh, ग्रेटिफिकेशन के लिए रहना चाहता है और दूसरा जो डोनेशंस उसके हस्बैंड के द्वारा चर्च को दी जाती है उसके लिए रहना चाहता है दिस इज हाउ द नोवल एंड्स द पामेला एक्सप्लेनिंग द हर इंटेंशन टू हर मदर इन अ लेटर एंड रीडर रियलाइजिंग दैट हैज नाउ बिकम द शेम्ड तो यहाँ पे क्या है पामेला uh, के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो अपने वर्च्यूज़ को किस तरह से सेव रखती है Uh, और यहाँ पे क्या है कि जो शामला है वो उसका अपोजिट वर्क कर रही होती है सो विद दिस वी एंड हियर आर सम एम सिक्यूज टू थ्री एम सिक्यूज वी गो थ्रू सो फर्स्ट इज़ वैन वॉज़ हैंनरी फील्डिंग बॉन् सो वी नो इट वॉज सेवेंटी जीरो सेवन कुछ तो आपको जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जैसे आप लिखते हैं फील्डिंग ओके सो फील्डिंग आपने किया और फील्डिंग जीरो सेवन ओके फील्डिंग जीरो सेवन तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप सही जगह पर पहुँच जाएंगे जैसे आपको फोर ऑप्शंस अगर दिए हुए हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेवन जीरो सेवन या आप लोगों को स्टोरी अगर पता चल चुकी है कि फोर्टी में आपका पामेला हुई थी और फोर्टी वन में आपका शामिला हुआ था ठीक है शामिला पब्लिश हुई थी तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओके इससे कितने य बैक जो था हेनरी फील्डिंग उनका जन्म हुआ था ओके okay. सो आप माइनस कर सकते हैं और यू विल गेट द डेट हु रोट शामिला शामिला किसने लिखी है सो वी नो दट्स यू नो बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू जस्ट नाव सो इट्स ईजी सो इट इज़ रिटर्न वाई फील्डिंग नेक्स्ट इज वॉट इज द फुल टाइटल ऑफ शामिला शामिल का जो फुल टाइटल है वो क्या है एन अपॉलजी टू द लाइफ ऑफ शामिल सो विद दिस वी एंड दिस लेसन एंड Uh, let me tell you if you want to join any course, uh, you can directly WhatsApp us. And thank you for watching this video. Good luck for your exams.